लीला चड़ निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। लीलाद्रु शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्तं सर्वालंकार युक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राय वाम भागे रथचरण युक्तं ब्रह्म रुद्रेन्द्र वंदं वेदानां सारमिशं सजन परिवृतं ब्रह्म दारु स्मरामि। नमस्कार जगन्नाथ प्रेमी दर्शक बृंद, आज अध्याय में आलोचना करवा कोरापुट को शबर श्रीक्षेत्र कहीं कहुए कोरापुट को शबर श्रीक्षेत्र कहुए ये संपर्क में आज आम आलोचना करवा। जगन्नाथ किंतु आदर वैदिक देवता नथिले, आम जो जगन्नाथ को वैदिक देवता भाव में पूजा कराए किंतु आदर से वैदिक देवता नथिले, से थिले आदिवासी मानकर पूजित देवता बा शबर देवता। आदिवासी माने जगन्त भाव में अतीतरे आदिवासी माने जगन्नाथ को जगन्त भाव में पूजा करुथिले एवं आदिवासी मानकर जो बनवासी मानकर से देवता जगन्नाथ थिले एवं तापर ताकू श्रीक्षेत्र को स्थानित करा जायथिला एवं श्रीक्षेत्र रे मध्य ए जो बनवासी माने बा आदिवासी माने जगन्नाथ को पूजा करिवार मध्य अनेक प्रमाण मध्य मिले। जे भली भाव रे अमर जो स्नान पूर्णिम रे श्रीक्षेत्र रे जो स्नान यात्रा रे तापर जो नेत्र उत्सव एवं जो अणसर समय रे एई समय रे जो सुआर सेवक माने सुआर संज्ञाधारी जो सेवक माने जे जो बारे की जारा सबर रो वंशधर से माने ए जो जगन्नाथंकर सेवा पूजा से माने करंती से माने को अग्राधिकार दिया जाए। तेणु एम होती जो शबर शबर जाति तेणु से शबर जाति एमने पूर्वर मध्य जगन्नाथ को पूजा करुते। तेणु शबर मानकर जो नीलमाधव जो शबर मानकर इष्ट थिले नीलमाधव से नीलमाधव को शबर माने पूजा करुते नीलमाधव से जगन्नाथ रूप से पूजित हेले से पूर्वर जो नीलमाधव को पूजा करुते विश्वावसु शबर विश्वावसु शबर से जगन्नाथ को से नीलमाधव को पूजा करुते तापर से विश्वावसु ठार से जो नीलमाधव जिते बड़े जगन्नाथ रूप से पुरी को चली आसिले से कौन है ना अनेक लोक से जो शबर माने से जो विश्वावसु वंशधर मैंने पुरी को चली आसी से दईतापति भाव से महाप्रभुंर से माने सेवा पूजा कर राजा मध्य अनुमति प्रदान करते से जो शबर मानक जगन्नाथ पूजा करने से अनुमति प्रदान करदे। तेणु यही जगन्नाथ संपर्क में जो श्रीक्षेत्र पुरी को ये जो शबर देवता से नीलमाधव से श्रीक्षेत्र को चली आसी संपर्क में अनेक पौराणिक कहानी रही किंवदंती लोककथा प्रचलित रही आमर स्कंद पुराण जदि देखा स्कंद पुराण जो उत्कल खंड स्कंद पुराण उत्कल खंड जो शबर राजा विश्वावसु कथा वर्णना रही जगन्नाथ प्रथमे जो शबर नारायण भाव से पूजित होते शबर तक पूजा करुले शबर नारायण भाव एवं आदिम काल जो आदिमानव मानकर से माने वृक्ष उपासना करते जो आदिम काल जो आदिमानव से मानकर जो वृक्ष उपासना से माने करुले से माने जो आदिम आदि आदि आदिवासी माने से माने जो जगन्नाथ शब्द जो जगन्नाथ आम जो जगन्नाथ शब्द आम उच्चारण करुच्छू जगन्नाथ नामकरण करिछु जो जगन्नाथ से पाली भाषा किंबा संस्कृत भाषार आसी ना ये हूँ जो जगतर नाथ ये जो सौरा किंबा ये जो जगतर नाथ ये जो जगन्नाथ ये मुंडा शब्द रु मुंडा भाषार जो जगन्नाथ शब्द रु ये आसी जना जाए जहाँकि जगन्नाथ जे कि जगतर नाथ जगन्नाथ ये जो सौरा भाषा रे जहाँ को कह जाए जितुंग से जितुंग शब्द रु जगन्नाथ सृष्टि होता अनेक अनुमान करती। तेणु शबर मानकर विश्वास अनुजाई से मानकर जितुंग देवता से दश रूप से उपासना करुले दश रूप से दश देवता जो चित्र अंकन करुले जितुंग देवता से जो दश रूपर से जितुंग मानकर जो आदिवासी मानकर शबर मानकर जो जितुंग को दश अवतार जो चित्रित करते से दश रूपर चिंताधार जगन्नाथंकर दश अवतार परिकल्पना काठरे निर्मित जो तीन मूर्ति को काठरे जो निर्मित जगन्नाथ बलभद्र ये जो सुभद्रा एमान को कला धला एवं नाली किंबा हलदिया रंग में चित्रित करनेक स्थान सुभद्रा को से हलदिया बदल नाली रंग में चित्रित कराए अनेक लोक जगन्नाथ शब्द जो जगन्नाथ को से आदिवासी माने जगा भाई
ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଯେଭଳି ଜଗା କାଳିଆ ବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜଗା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଗା ଭାଇ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଶବରର ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ତଙ୍କୁ ଥରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଏଇ ଶବରମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଜଗନ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କଲେ। ଅନେକ ଯେଉଁ ଶବରମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ପୂଜା କଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ରାବଣଗିରି ପର୍ବତ କୋରାପୁଟର ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯାହାକି ରାବଣଗିରି ପର୍ବତ, ସେହି ପର୍ବତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ପଥରକୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଜଗନ୍ତ ଦେବତା ସେ ଫୁଟେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେଥିରେ ସେଥିରୁ ପ୍ରଚୁର ନିଆଁ ବାହାରିଥିଲା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନିଆଁ ଛିଟିକି ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଜଗନ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଜଗନ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ହାତ ଏସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହାତ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବା ଜଗନ୍ତ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆଦିବାସୀ ଦେବତା ଯାହାକି ଯେଉଁ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଯେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ଜଗନ୍ତ ହିଁ ହସ୍ତପଦ ବିହୀନ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଉତ୍କଳଖଣ୍ଡର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସେ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ। ଶବରମାନେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ତାଙ୍କୁ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଦାପର ଯୁଗରେ ଏ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଦାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାରା ଶବର ସେ ତାଙ୍କୁ ସରବିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାରା ଶବର ସେ ଥିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଥିଲେ, ସେ ବାଳିପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ ଥିଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବାଳିଙ୍କୁ ବିନା ଦୋଷରେ ତାଙ୍କୁ ସରବିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୋର ପିତାକୁ ବିନା ଦୋଷରେ ସରବିଦ୍ଧ କରିଛି, ତେଣୁ ତୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତୁ ତା'ର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ତୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଜାରା ଶବର ରୂପରେ, ଏବଂ ତୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସରବିଦ୍ଧ କରିବୁ, ତୁ ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ସରବିଦ୍ଧ କରିବୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ତୋର ଯେଉଁ ପିତୃହତ୍ୟାର ତୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ସେତେବେଳେ ନେଇପାରିବୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଅଙ୍ଗଦ ସେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଜାରା ଶବର ରୂପରେ। ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଶିଆଳି ଲତାରେ ଯେତେବେଳେ ଦୋଳି ଝୁଲୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବଂଶକୁ ବିନାଶ କରିବା ପରେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଶିଆଳି ଲତାରେ ଯେତେବେଳେ ଦୋଳି ଝୁଲୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ଜାରା ଶବର ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ମୃଗର କର୍ଣ୍ଣ ଭାବି ସରବିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେଇଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶରୀରକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାରା ଶବର ତାଙ୍କୁ ଦଗ୍ଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶରୀର ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇନଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଝି ଅଂଶଟି ତାହା ନ ଜଳି ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଅଧାପୋଡ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହୋଇଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଆଉ ନ ପଡ଼ି ତାକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଭସେଇ ଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ତା ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଇ ସେ ଏଇଭଳି ବାଙ୍କି ମୁହାଁରେ ସେ ଲାଗିଥିଲେ। ଏବଂ ପୁଣି କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଅଧାପୋଡ଼ା ଅଂଶଟି ସେ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ତାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ନୀଳମାଧବ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବରମାନଙ୍କର ଶବର ବିଶ୍ୱାବସୁ ରାଜାଙ୍କର ସେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଭାବରେ ସେ ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିରେ ପୂଜିତ ଏଇ ଯେଉଁ ନୀଳମାଧବ ସଂସ୍କୃତିର ବିଲୋପ ହୋଇ ନୂତନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବା ଶବରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ କୋରାପୁଟକୁ ବା କୋରାପୁଟର ସେଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରାବଣଗିରି ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରୂପରେ ତାକୁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 1971 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କୋରାପୁଟଠାରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୱାନ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ବିଦ୍ୱାନମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇଠାରେ ଯେଉଁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା, ନୀଳମାଧବ ଶାଲବେଗ ଦାସିଆ ବାହୁରୀ ଏଇଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଏଇସବୁ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରପଟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନେ ଆସି କୋରାପୁଟରେ ଆସି ଯେଉଁ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଆସି ସେସବୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ତା'ର ତୃତୀୟ ଦିବସରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କୋରାପୁଟର ଯେଉଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଯେଉଁ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ମହିଳା
जो कंध जातिर महिला से माने आसी से जो प्रदर्शनी रे जो जगन्नाथंकर रूप को से माने दर्शन करबा को लागिले एई समय रे से मानक मधरु जणे महिला जणे आदिवासी से महिला से कोन कले ना जगन जो नीलमाधव को से दर्शन करबा पे जीव धरिले जे सेते बडे जो थिले जो पूजा करथले नीलमाधवंकर जो पूजा बा जगन्नाथंकर जो पूजा रे थिबा जो सेवक ताकू से मध अनुरोध कले जे मोर जो जगन्नाथ बा मु नीलमाधव ताकू मु दर्शन करबा पई मते अनुमति दियो सेते बडे थिले दामोदर पुष्पाळक से तांकर दायित्व रे थिले सेवा पूजा रे सेते बडे से जो आदिवासी से तांकू से नीलमाधवंकर निकट को जिबा पई से जेते बडे बाध कले जोर कले सेते बडे से मध तांकू छडा जाय नथला एवं सेते बडे से जो आदिवासी महिला जक कहिथले मोई मोर देवता को पूजिबी तुई तिनी पुलिया रे नाट नाई कर एटा आमर देवता आमे ताकु पूजुथुलु तुमे आमर देवता को छड़े नहीं गल एई भली भावरे ताकु कहिले तापर ए जो ये तांकर जो कथा को बुझी पार नथिले दामोदर पुष्पाळक ए जो कंध भाषा रे से कहउछंती महिला जणक एवं दामोदर पुष्पाळकर कथा को मध्य से आदिवासी महिला बुझी पार नथिले एई भली भावरे दुई जणक मध्यरे वाद विवाद चलिला तापर दामोदर पुष्पाळक कण कले से जो आदिवासी महिला को ताकु बाहर को नहीं आसिले तापर जेतेबेले एमानकर जो विवाद उपस्थित हैला सेतेबेले कण हैला ना पंडित सेतेबेले पंडित थिले सदाशिव रथ शर्मा सेठारे उपस्थित हैले एवं से जो महिलांकर एभली जगन्नाथंकर प्रति प्रीति बा जगन्नाथंकर भक्ति रे से एभली बिहळ हेबा देखि तांकर से भावरे बिहळ होई पडिले एवं तांकर प्रेमाश्रु तांकर आखिरु बाहरी पडिला एवं से कण कले से महिलांकर पाद स्पर्श कली ताकु कहिले मालो ये जो जगन्नाथ तू जगन्नाथ पाख को निश्चित भावरे जीवु ये जगन्नाथ तोर ये जगन्नाथ अमर नुहे ये जो सदाशिव रथ शर्मा ये मध्य जगन्नाथंकर जड़े परम भक्त थिले एवं जगन्नाथ संपर्क से गवेषणा करी देश बाहर मध्य तार प्रचार करथिले जगन्नाथ संस्कृति संपर्क तेणु से ये जो महिलांकर जो भक्ति एभली जगन्नाथंकर प्रति भावभक्ति देखी से तांको मध्य छाड़ी देथिले जगन्नाथंकु सेवा पूजा करबा पई तापर से जो महिला जनक से तांकर पणतकानी रे से बन्न फलमूल आनीथिले ताकू नै से कण करथिले ना जगन्नाथंकर मुहरे घसी देउथिले एवं तांकर मुखरे जगन्नाथंकर मुखरे से चुंबन देउथिले जेभली भाबरे सबरी तांकर ओइठा खोडी ओइठा कोळी को रामचंद्रंकु खुआउथिले सेई भली भाबरे एई जो सबरी महिला जनक सेई जगन्नाथंकु एई भली भाबरे तांकु भक्ति नैवेद्य अर्पण करथिले तांकु कोळी खुआउथिले एई भली भाबरे या देखि जो सदाशिव रथ शर्मा एवं उपस्थित समस्ते से मारे आश्चर्य हो जाइथिले एवं ए जो सबर देवता से दिन ठारु घोषणा करा गला ए क्षेत्र को जो सबर सि क्षेत्र भाव रे तांको घोषणा करा गला ए जो कोरापुट रे ए अंचल को एवं से दिन ठारु ए क्षेत्र रो जो सबर रो ए जो सबर सि क्षेत्र नाम रे ए धर्म ए जो अंचल टी प्रसिद्ध अर्जन कला एवं एठारे जो आदिवासी देवता ए जो जगन्नाथ हेउचंती आदिवासी देवता एवं आदिवासी मानंकर जो आदिवासी मानंकर से देवता हेले मध्य से सर्वधर्म समन्वयर से देवता एवं सबु धर्मर लोके से जगन्नाथंक ठारे निजर जो आराध्य को से माने खोजी छंती जगन्नाथंक ठारे सबु धर्मर सबु धर्म एकाठी होई छंती तेणु ए जो ए अंचल रे ए जो रावणगिरी पर्वत अंचल रे जो सबर सि क्षेत्र एठारे मध्य रथयात्रा मध्य अनुष्ठित हुए प्रतिवर्ष रथयात्रा अनुष्ठित हुए एवं सेठारे कण हुए ना जो आदिवासी संस्कृतिर महामिलन तो एठारे होईची तेणु रथयात्रा समय रे से ग्रामर जो मुखिया को से ससम्माने तांको पाछटी अणा जाए एवं तांको मध्य छेरा पहरा रथ रे छेरा पहरा करबा पई तांको दायित्व अर्पण करा जाए तापरे से आदिवासी जो आखपख गाँव आदिवासी मानंकु मध्य एई रथयात्रा को निमंत्रण करा जाए तापरे गुंडीचा मंदिर रे सेठारे दश अवतार रूप मध्य सेठारे अनुष्ठित हुए तापरे कोण हुए ना बाहुडा यात्रा दिन बाहुडा यात्रा दिन बड़दाण्डर जो अधा बाटरे सेतेबेले रथ अटकी जाए एवं सेतेबेले छेनापोड़ एवं पणा भोग मध्य सेठारे हुए तेणु एइभली भावरे जो सबर श्रीक्षेत्र संपर्क रे आपण माने जानिले तेणु आशा करे एई आलोचनाटी निश्चित भावरे आपण मानको भलो लागिथिबो आज पाई रहुचि ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः।